रखेगा संजो कर है ऐसा ये मंच। गिद्यार सीजन टू। गिद्यार सीजन टू। अंशिका जी, अपनी भाषा आती है? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, समझ आती है। हाँ, चलो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग सभी बच्चे जितने हैं आज सभी बहुत ही कम उम्र के हैं और अपनी भाषा के गीत सुनना पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का, मतलब बचाने का बहुत अच्छा साधन। और आपको पता है आपने कौन सी, अभी ये जो गाया ये तांदी, हमारी उत्तराखंडी जितनी भी भाषाएं हैं उसमें किस में गाया जाता है तांदी? मैम, तांदी गीत गढ़वाली भाषा में भी गाया जाता है और जो जनजाति है जैसे रवाई क्षेत्र है और सेराई क्षेत्र है या जौनसारी है, वहाँ पर भी तांदी गीतों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू मैम। अच्छा गाओ, ऐसे ही गाते रहो। जी, थैंक यू। ये गीत आपने कहाँ सुना? सर, ये गीत हम लोग घर में गुनगुनाते रहते हैं, मम्मी से सीखा है। मम्मी के टाइम पे मतलब वो लोग गाते थे कॉलेज वगैरह में, तो हमने उनसे ही सुना है। तोड़िया को तेला जी, दिल मेरा तोड़िया ना, ये तो एक पट है, इसके बाद वाला नहीं बोला आपने। बैसुम तोड़िया को तेला, ये दिल मेरा तोड़िया ना हो, बाई सुबह त्योड़िया बजारा कि दिल मेरो तोड़िया ना हो, बाई सुबह त्योड़िया बजारा कि दिल मेरो तोड़िया ना हो। मेरा कहना है कि गीत तो आपने अच्छा चुना पर सुना नहीं ढंग से जिसने गाया है शब्दों की। हाँ, है ना, अभी आपके पास एक राउंड और बचा हुआ है तो बहुत अच्छा करने की, अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन तैयारी मेरे हिसाब से आपको और बेटर करना। हाँ। जी, हेलो। हाँ
धर्म का लाल मणि दे खेजा पात्मा धर्म का लाल मणि दे खेजा पात्मा धर्म का लाल मणि दे खेजा पात्मा सोर की बिरोली पधानी पानी पिजा पानी दबे सोर की बिरोली पधानी पानी पिजा पानी दबे धर्म का लाल मणि दे खेजा पात्मा छोटू नोनू दूधी को पदानी छोटू नोनू दूधी को छोटू नोनू दूधी को पदानी छोटू नोनू दूधी को पट मरी गे छो पदानी तुमारी खुदी को पट मरी गे छो पदानी तुमारी खुदी को तुमारी खुदी को पदानी दे खेजा पात्मा तुमारी खुदी को पधानी दे खेजा पात्मा धर्म का लाल मणि 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 दे खेजा पात्मा धन्यवाद अविनाश जी धर्म को लाल मणि इसका अर्थ बता सकते हैं क्या हमारी ऑडियंस को इसका अर्थ है कि दो प्रेमी है जैसे एक का नाम है धर्म का जो लाल मणि उनका नाम है और दो प्रेमी वो अलग अलग रहते हैं इसको हम खुदेड़ भी बोल सकते हैं मतलब याद में किसी की तो वो उनके लिए बोल रही है कि धर्म का लाड़ी लाल मणि देख है जा पात्मा मतलब जब आप यहाँ आओगे तो मैं दही खिलाऊंगी आपको पात में चलिए इस पे भी हम व्याख्या करेंगे दूसरा एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप संगीत सीखते हैं अभी तो फिलहाल मतलब घर से ही सीखता हूँ जो भी तो आपके गायन में वो सेमी क्लासिकल टच जो आ रहा है मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है पता नहीं औरों की ओपिनियन मुझसे मिलती हो ना मिलती हो जब हम लोक गायन की बात करते हैं या आंचलिक गायन की बात करते हैं तो उसमें क्लासिकी बहुत ज़्यादा हावी नहीं होनी चाहिए किस जगह मुर्गी लगानी है किस जगह ठहराव करना है और किस जगह लोक तत्व डालना है इस बात का थोड़ा सा हमें बहुत ठीक तरह से ज्ञान होना चाहिए बहुत ज़्यादा मुर्गी लेंगे तो आपकी आपका जो फोक एलिमेंट है वो थोड़ा डोमिनेट करेगा आपकी गायकी में ऐसा मैं मुझे लगता है जी और बाकी बहुत अच्छा आपका सिंगिंग है बहुत अच्छी माइक आपका होल्ड है तो अच्छा सा पोस्चर बना के जाएं तो हमारा ये सुझाव है आपको आधी बात तो भाई साहब ने आपको बता ही दी है
मैंने आपके दोनों सॉन्ग सुने, जो पहले खुदेड़ आपने गाया था और जो इस समय आपने धर्मा का गाया है। इसमें तो तब भी मुर्गियों का थोड़ा बहुत चलन में है जिस टाइप से गाया, लेकिन आपने जो पहला वाला सॉन्ग गाया, पहला जो गीत गाया, उसमें आपने एक्स्ट्रा मुर्गियाँ मारी हैं। तो सबसे पहले ये सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि मुर्गी को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। और बाकी आपका मैं जानता हूँ, शायद आप ऐसे परिवेश या ऐसे परवरिश में हैं जहाँ आप क्लासिकल को सीख रहे हैं, तो अच्छा है आपका। बस ये समझ डेवलप करनी है कि कहाँ पे किस तरीके की मुर्गी यूज़ करनी है और नहीं करनी है। बाकी सभी लोगों ने बोल दिया, लेकिन मैं इतना कहूँगी तुम्हारी गायकी बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव है, और अगर क्लासिकल संगीत गा रहे हो तो उसमें इतना यूज़ कर लो, बाकी अगर आप अपना फोक गा रहे हो तो उसमें फोक यूज़ करो बस जी मैम। और बहुत अच्छी गायकी है, लेकिन अभी अगर फोक था तो फोक ज़्यादा ऐड होना चाहिए, बाकी बहुत अच्छा गाया जी मैम, धन्यवाद। मुले मुले कै को है सिणी छे तू, मुले मुले कै को है सिणी छे तू, हे कोले की डा कखी तीन मेरी आँखों का सुपीना, कखी तीन मेरी आँखों का सुपीना, देखत जब सीट से उठ के मंच की तरफ आ रही हैं तो आपके नर्वस हैं, आपके चेहरे पे आपने मुलमुल है सी वाला गाना गा रहे हो और आपके चेहरे से वह हंसी ही गायब है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये WWF का कोई मंच होगा, कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा होगा, आपको दूसरे को पटक नहीं देनी है, आप यहाँ पे सुरों के लिए आए हैं। Yes, तो आपके चेहरे पे एक रंगत होनी चाहिए, एक मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए, वो नर्वसनेस को आप कम करिए, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। ठीक है। हाँ वाला तिले धारू बोला बे सोली घुरिया घुर दगड़िया, तिले धारू बोला बे सोली घुरिया घुर दगड़िया, तिले धारू बोला बे सोली घुरिया घुर दगड़िया, तिले धारू बोला बे सोली घुरिया घुर दगड़िया। चिलमी को पीचा
पिचा चिलमी को पिचा हाँ बे हाँ भक्त करो की तिवरी माँ बे बंदो हाँ 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 बे हाँ बोला चिलमी को पिच पिचा चिलमी को पिचा अरे भक्त करो की तिवरी माँ बे बंदो क्या उन्होंने जो बोला अरे सच बोला कछड़ी लगी जबे सोली घुरिया घुर द गड़ा कचड़ी लगी चबे सोली घुरिया घुर द गड़ा तिले धारू बोलबे सोली घुरिया घुर द गड़ा तिले धारू बोलबे सोली घुरिया घुर द गड़ा तिले धारू बोलबे सोली घुरिया घुर द गड़ा। धन्यवाद। पूछना कि ये लोक गीत छे या पारंपरिक गीत छे कहे को गायो गीत छे? लोक गीत छे सर। लोक गीत जी। और कैन गाय बोलियो गीत? स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राय जी गायो छे। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा छे आपको गायन। धन्यवाद। बहुत अच्छा गायन छे। और मैं मतलब और गायक भी इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि कहां पर मुर्की लेनी है और कहां पर नहीं लेनी है। जी ये इन्होंने थोड़ा सा एस्टैब्लिश किया इस बात को। मीना जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, तुम वैसे भी बहुत ही अच्छा गाते हो। धन्यवाद। पहला गीत भी तुमने बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद। और आज थोड़ा एनर्जी दीदी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा दो चार दिन किले की हाँ लगणु छेच ना, थोड़ा सी वीकनेस आवाज में। और घुर घुरा उंद गुरियानी जी है ना, सॉली घुरा घुर है ना, गुरियानी उंद। चलो वैसे अच्छी गायकी है। धन्यवाद। मनदीप जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक मंचीय गायक हो, लोक गायक हो, स्माइलिंग फेस है, हंस के गाते हो, सबसे अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि जो आपने पहले गाया और ये गाया, तो मैं ये मेरी अपनी पर्सनल एक राय आपके लिए है कि यदि आपके पास दो राउंड हैं तो दो राउंड में अलग अलग विधा के यदि आप सॉन्ग गाएंगे तो जजेस को ज़्यादा आपकी गायकी के बारे में रेंज का पता चलेगा। तो कोशिश करें कि आपको दूसरे राउंड में एक नई विधा का गाना आप गाएं ताकि जजेस को आपकी गायकी की रेंज पता चले। जी सर, वाकई आप बहुत अच्छा गाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, आप सभी को पुनः से प्रणाम। आप सभी के समक्ष मैं इस बार एक लोकगीत फिर दोबारा से प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके बोल हैं प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। अगर कोई मेरे से त्रुटि हो तो मैं दोबारा से क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। गंगा जमुना अच्छा, गंगा जमुना अच्छा, बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। फुलनिया फूलों की घाटी, हौस जगोनिया क्यों फरिदांडी, ओ फूल फुलनिया फूलों की घाटी, हौस जगोनिया क्यों फरिदांडी,
नंदा दे बिछाया जागेश्वर धाम, नंदा दे बिछाया जागेश्वर धाम, पंच बिया गया हिमकुंड धाम, ओली को मुखेया भय हरिद्वार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। रजत भाई जी सर, थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि इतने इस शरीर के अंदर इतनी जान कहाँ से, वो मुझे ढूंढना है या शोध का विषय है कि इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है आपके अंदर। बहुत स्माइल फेस के, जैसे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब गाते थे ना स्माइलिंग फेस के साथ, वो आपका है। अब तक मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मैंने अभी तक यहाँ पर आए हैं और अपना परफॉर्म किया है, माइक सेंस सबसे ज़्यादा आपके पास है। यदि कहते हैं कि बॉलीवुड में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माइक सेंस सोनू निगम के पास होता है, कि वो जब हाई स्केल आता है तो वो कितने दूर अपने माइक को ले जाते हैं, कितने पास लाते हैं, वो माइक सेंस है वो किसी के अंदर नहीं मैंने देखा, वो आपके अंदर है। ये क्वालिटी आपको बहुत आगे ले जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बुलारा मैनी एगेरे गैलो तो डांड्यू मजोला, हिसर किन गुड़ बेडू फोली जू भरी की खोला, बुलारा मैनी एगेरे गैलो तो डांड्यू मजोला, हिसर बेडू किन गुड़ फूली के जू भरी की खोला, ते पार का डांडा, ते पार का डांडा भमोरा पक्या लो तो मेरी सुवा भमोरा खायोला, ते पार का डांडा भमोरा पक्यालो, चल तो मेरी सुवा भमोरा खायोला, कोई है नहीं वैसे भमोरा, जैसे उसमें गढ़वाली में जैसे गराला हो गया, बेडू हो गया, तिमला हो गया, उसी टाइप का भमोरा सर, उसी तरह के ये लोकल वनस्पति के फल होते हैं। जी सर। अच्छा, थोड़ा सा आपको अपने आवाज के प्रोजेक्शन को बढ़ाना है, मतलब बेस बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? उसके लिए मुझे लगता है कि रियाज की थोड़ी सी आवश्यकता है, या आप रियाज शायद निरंतर नहीं करते होंगे, ठीक है? और सबसे मुख्य गायन में यही होता है कि आपकी आवाज के साथ आपके शब्द हमारे कानों तक पहुंच जाने चाहिए,
तो यही आपको हमारा सुझाव है कि प्रोजेक्शन बढ़ाइए, आवाज़ का बेस बढ़ाइए, माइक को थोड़ा सा और ठीक से पकड़ना, पकड़ने की आदत डालिए, ठीक है? बाकी आपका गायन अच्छा है। थैंक यू सर। मैंने यहाँ लिखा था कि जो फर्स्ट सॉन्ग आपने गाया था कि अपनी आवाज़ में गाएं, आपने पहला वो किशन की आवाज़ में, और ये मैंने लिखा हुआ है अपना स्टाइल डेवलप करिए। आप कोरस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी अपनी आवाज़ चाहिए, उस पर काम करिए, बाकी आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। हो रंगीली पी छोड़ी तेरो लहंगा चलाला, ओ पेणी के लहंगा तेने मचाए बवाला, तेरो लहंगा लहंगा लहंगा, तेरो लहंगा लहंगा लहंगा, तेरो लहंगा तेरो लहंगा, तेरो लहंगा तेरो लहंगा क्या भलो छाजरो, हा तेरो लहंगा क्या भलो छाजरो, रंगीली पिछोड़ी हाय जरा आँखों में लगे रु काजला, नजर लागली नजर लागली नजर लागली नजर लागली, उमेरो मेरो लहंगा मेरो लहंगा में भलो छाजरो, हाँ मेरो लहंगा में भलो छाजरो, रंगीली पिछोड़ी हाय मिले आँखों में लगे रु काजला, नजर न लागली नजर न लागली नजर न लागली नजर न लागली, रूपा की रूपा शी तेरो क्या भलो में जाता, ते रूपा की रोशनी ले खिल रो छो पहाड़ा, हाँ रूपा की रूपा शी तेरो क्या भलो में जाता, ते रूपा की रोशनी ले खिल रो छो पहाड़ा, तेरो लहंगा क्या भलो छाजरो, रंगीली पिछोड़ी श्रृंगारिका जी। मैंने पहला भी सॉन्ग आपका सुना था, वो कौन सा था? टफ सॉन्ग। हाँ वो थोड़ा टफ सॉन्ग था। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी अपनी स्टाइल है जी। तो मेरी भी है ऐसा ही था रोहित भाई, तो एक दो पॉइंट तो वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हर एक जजेस का अलग अलग सोचना होता है। मैं खुद ये समझता हूँ कि अपनी जो स्टाइल होती है अपना, कि आप पुराने गाना गा रहे हो लेकिन उसमें आपका आपका क्या है, पहले वाले ने तो गा दिया अपनी स्टाइल से गा दिया, लेकिन उसको अपनी तरफ से क्या गा रहे हो वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी स्टाइल होनी बहुत ज़रूरी है, वो आपके अंदर है और बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। और ख़ास बात यह है कि पहला गाना जो तुमने गाया जी, उसकी बनस्पत इस वक्त तुम्हारी जो स्टेज अपीयरेंस है वो शानदार है, एक अच्छी आर्टिस्ट नज़र आ रही हो। और तुमने अभी कहा ना कि मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, तो अभी गाने से तो ऐसा लगता नहीं है, एक अल्फाज तुमने कहा है नजर, जी 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 जी, वो उर्दू में अगर हम कहें तो नजर हो जाता है। हाँ जी। और पहाड़ में जब आप आओगे तो नजर कहने की जी, मैं बस एक बात, हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगी, गलत गाया लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से वो मुझे भी ये चीज पता थी, हाँ। पर क्योंकि गाने में ऐसा था इसलिए मैंने, उससे हमारी जो आंचलिकता है वो समाप्त हो जाती है। और अच्छा इस समय थोड़ा सा तुमने ज्यादा खुश किया हमको। थैंक यू। ओ बल पानी की हुलाक, हाँ
पानी की हुलाक हुलाक ओ तेरी मेरी माया भागी ओ तेरी दतड़ियों की झपाक तेरी झमरे बाजी छम छमा छम दतड़ियों की झपाक तेरी झमरे बाजी छम छमा छम राजमती घसते तेरी झमरे बाजी छम छमा छम राजमती घसेरी तेरी झमरे बाजी छम छमा छम हाँ ऐ जे मेरा बाणा तेरी झमरे बाजी छम छमा छम ऐ जे मेरा बाणा तेरी झमरे बाजी छम छमा छम राजमती घसेरी तेरी झमरे बाजी छम छमा छम राजमती घसेरी तेरी झमरे बाजी छम छमा छम थैंक यू श्रुति श्रुति बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और बहुत ही अच्छा गाया और खैर बिना सुर के तो गाना प्रॉब्लम हो ही जाती है वो अपने हिसाब से कह रहे हैं लेकिन होता है अगर सुर ना मिले तो प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ही अच्छा गाया आपने लेकिन थोड़ा सा उच्चारण बाणा बोला आपने ना वो बाणा नहीं होता बाना किसी का बाणा बोला आपने ना तो बाना होता है तो उच्चारण का विशेष ध्यान रखना बाकी गायकी बहुत अच्छी है आपकी ऐ जे मेरा बाण मतलब वो जंगल की बात हो रही है उसमें कि अच्छा, मेरे बाण आ जाना अच्छा वो अब आपने इतना हाँ। बड़ा बा बना दिया तो बाणा लग रहा अच्छा अच्छा बण है ना बण ब कोई हलंत हलंत लगा के उसको ही बड़ा कर दो जी है ना जी, जी, आकार में चलो बहुत अच्छी गायकी है थैंक यू मैम मेरा मन के तिसाली भूल चोली तू पानी पानी न भूल चोली तू पानी पानी मेरा मन की तिसारी चोली न भूल नी
मन की तिसाली चौली ना बोल चौली तू पानी पानी। अब ठीक समझ में आया ना, चौली का मतलब क्या होता है? चौली सर एक पक्षी को कहा जाता है जो उत्तराखंड में जैसे जो पहली वर्षा होती है, चातक कहते हैं, चातक पक्षी जी सर, ठीक है। तो वो जो पानी पीते उसके उसमें ये गाना है जो चंद सिंह राही जी ने लिखा है। गायकी को शब्दों के साथ कोऑर्डिनेट करना बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी सिंगर अपनी गायकी के शिकार में आ जाता है तो वो शब्दों के साथ मतलब न्याय नहीं कर पाता है। तो जितना न्याय तुमने अपने गाने के साथ किया है, मतलब अपने गले के साथ किया है, उतना ही गीत के साथ भी करना होगा जी सर। अदरवाइज जो गीत है वो कहीं और छूट जाएगा और आपकी गायकी कहीं और चली जाएगी, ठीक है जी सर। इतना ही कहना है। गायकी बहुत अच्छी है आपकी, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और इससे जो पहले वाला गाना गाया था वो तो बहुत ही अच्छा गाया था, उसमें अलग ही कुछ गायकी में साउंड भी आ रहा था। ये भी अच्छा गाया लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा कम जी। बहुत अच्छी गायकी है, थैंक यू। वसुधा जी, दोनों गाने हमने सुने, पहले वाला खुदेड़ गाना था और बहुत ठहराव के साथ आपने वो गाना गाया था, जो उसकी नीड है, जो उसकी आत्मा थी उसको आपने निभाया, और बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। और जैसे मैंने एक रजत पाल जी के लिए कहा था कि वो एनर्जी, तो जो आपका वॉइस जो थ्रो है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मतलब बुलंद आवाज़ जिसको कहते हैं ना कि वो आवाज़ है, और ये आपका प्लस पॉइंट है। और थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सर।